गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन पंजाबी क्लास। आज असी पढ़ांगे टॉपिक विश्राम चिन्ह। जिमें कि इहदे नाम तो ही स्पष्ट है, विश्राम चिन्ह मतलब ठहराओ दी हालत, कि वो कुछ चिन्ह हैं जिहड़े असी पंजाबी भाषा दे विच वरतदे हाँ ठहराओ नूं प्रगट करन वास्ते। यह है कि विश्राम चिन्हां दा व्याकरण विच बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हां दी वरतों सही ढंग नाल करनी बहुत जरूरी हुंदी है। जेकर असीं विश्राम चिन्हां दी वरतों सही ढंग नाल ना करिए तां वाकां दे अर्थ विच बहुत वड्डी तब्दीली आ जांदी है। कि विश्राम चिन्ह दा बहुत महत्व है ते इन्हां जिहड़े चिन्ह हन इन्हां दी वरतों भी सही ढंग नाल सही जगह ते होणी बहुत जरूरी है। जे इन्हां दी वरतों विच असीं कोई जिहड़ी है सही ढंग नाल असीं इन्हां दी वरतों नहीं करदे तां वाक दे अर्थ बदल जांदे हन, जिवें रोको ना जाण दिओ। हुण इत्थे रोको तो बाद कौमा का है, इस करके थोड़ा जिहा ठहराव आउंदा है। असीं वाक नूं इवें पढ़दे हाँ, रोको ना जाण दिओ, जिथों सानूं पता लगदा है कि किसी चीज़ नूं जाण तों मना कीता जा रिहा है। हुण जेकर असीं कौमा है जिहड़ा है उहदी असीं स्थान की तब्दीली कर दिंदे हाँ तां वाक देखो किवें उहदे अर्थ बदलदे हन। वाक विच जेकर कामे दा स्थान बदल दिता जावे अते वाक नूं मतलब जिहड़ा कामे दा स्थान बदल के असीं ना तो बाद वाक जिहड़ा कौमा लगा लईए ते फिर देखो असीं वाक किवें पढ़दे हाँ, रोको ना जाण दिओ, तां वाक दे अर्थ बदल जांदे हन। जिवें पहले वाक विच रुकण लई कहा गया है जदके दूसरे वाक विच जाण देण दा भाव है। हुण इहदी डेफिनेशन कि विश्राम चिन्ह की हन, फिर वह लिखती चिन्ह जिन्हां तों वाक विच ठहराओ की हालत का पता लगता है विश्राम चिन्ह कहाउंदे हन। विश्राम चिन्ह किन्नी प्रकार दे हन? पंजाबी भाषा विच 13 प्रकार दे विश्राम चिन्ह हन। सब तो पहला है डंडी जां पूरन विश्राम चिन्ह। पूरन मीनस पूरा, जिथे पूरा वाक खत्म हो जाता है उत्थे डंडी की वरतों की जाती है। ये विश्राम चिन्ह पूरन ठहराओ लई वाकां दे अंत विच लाया जाता है। जिवें मैं एक डॉक्टर हाँ, हुण वाक खत्म हो गया है तो वाक दे अंत विच इस डंडी की वरतों की गई है। दूसरा है प्रश्न चिन्ह, कि यह विश्राम चिन्ह उन्हां वाकां दे अंत विच लाया जाता है जिन्हां विच कोई प्रश्न पूछा जाए। कि जिथे असी कोई प्रश्न पूछते हाँ उस वाक के अंत विच प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जिवें तुहाड़ा नाँ की है, हुण नाँ पूछा गया है इस करके दे अंत विच प्रश्न चिन्ह लगाया है। तीसरा है विस्मिक चिन्ह। यह विश्राम चिन्ह उन्हां शब्दां जां वाकां दे पिछे लगाया जाता है जिहड़े खुशी गमी जां हैरानी आदि दे भाव प्रगट करते हैं। कि कुछ ये विस्मिक चिन्ह जिहड़े हुंदे हन, इन्हां दा जिहड़ा विस्मिक चिन्ह है वह है डंडी दे थले बिंदी। ये असीं उन्हां शब्दां तों बाद लगाउंदे हाँ जिहड़े खुशी गमी जां हैरानी दे भाव प्रगट करते हैं। ठीक है, जिवें शाबाश, तूं चंगा काम कीता है। हुण शाबाश शब्द जिहड़ा है ये असीं किसी की प्रशंसा वास्ते वरत रहे हाँ, इस तों बाद जिहड़ा है विस्मिक चिन्ह की वरतों की गई है। चौथा विश्राम चिन्ह आ जाता है कामा। यह विश्राम चिन्ह वाकों में थोड़े जिहे ठहराव को प्रगट करन अते दो वाकों दो वस्तुआं जां दो वाकंशां नूं एक दूसरे तो वक्ख करन लई प्रयोग हुंदा है। इस नूं अल्प विश्राम चिन्ह भी कहिंदे हन। हुण दो जिहड़े ने वाक उन्हां नूं असीं वक्खरे करना है जां दो इक्को जिहियां वस्तुआं ने दो वाकंश ने उत्थे जिहड़ा है कामा दी वरतों कीती जांदी है। जिवें असीं हुण देख लईए भैण भरा भैण अते माँ बाजार गए। हुण इत्थे भरा तो बाद कामा दी वरतों कीती गई है क्योंकि भरा ते भैण इक्को जिहे दो व्यक्ति, उन्हां नूं वक्खो वक्खरिया करन वास्ते भरा तो बाद कामा दी वरतों कीती गई है। ठहर जरा तैनू मैं दसा, ठहर जरा तो बाद थोड़ा जिहा ठहराओ है, इस करके इत्थे कौमा की वरतों की गई है। इस तरह पंजवा जो है नंबर 5
विश्राम चिन्ह है पुठे कामे। यह विश्राम चिन्ह किसी कही हुई गल नूं ज्यों दा त्यों लिखण लई प्रयोग हुंदे हन। जिवें असी किसी की कही हुई गल नूं उसे ही शब्दां विच लिखना होवे तां इन्हां दी वरतों हुंदी है। जिवें माँ ने कहा कौमा बेटा दुध पी लो, हुण बेटा दुध पी लो जिहड़े शब्द हन ये उस तरह कहे गए हैं जिवें माँ ने कहा है, इसलिए इत्थे पुठे कामियां दी वरतों कीती गई है। नंबर 6 है छुट मड़ोली। ये एक कौमा सिंगल असी थले पाने उन्हों असी कामा कहने हाँ, ये शब्द के उपर पैंदा है, इनू छुट मरोड़ी कहा जाता है। यह विश्राम चिन्ह किसी वाक में छड़ी गई धुनि अंकित करने लिए प्रयोग किया जाता है कि असी पूरा नहीं कोई शब्द लिख रहे उत्थे ये वरत्या जाता। जिमें बच्चे साइकल ते जा रहे हैं, हुण ते शब्द विच असी उत्ते नू असी पूरा नहीं लिखिया, उत्ते मतलब ते असी लिखिया है, ते इनू जिहड़ा है इत्थे लागे इहदे छुट मरोड़ी पाई गई है। माँ ने पुत्र नू दुध च मलाई पा के दित्ती, हुण इत्थे माँ ने पुत्र नू दुध विच मलाई पा के दित्ती, उहदी धुनी जिहड़ी सी च विच दी जिहड़ी सी धुनी उहदे विच असी उह छड्डी गई, उत्थे असी इनू छुट मरोड़ी नू पाया है। अगला है जोड़नी। यह विश्राम चिन्ह दो जां दो तो वध शब्दां नू जोड़न लई प्रयोग किया जाता है। जिवें आले दुआले, चिड़ियाघर, नेड़े तेड़े, ठीक है, ये दो जां दो तो वध शब्दां नू जदों असीं इक्को जिहे कुछ शब्द जां विरोधी शब्द भी हो सकते ने उन्हां नू जोड़न वास्ते इत्थे जोड़नी दी वरतों की जाती है। इस तों अगला है बिंदी कामा, उपर बिंदी थले कौमा। यह विश्राम चिन्ह वाक विच पूर्ण विश्राम तो घट ठहराओ अते कामे तो वध ठहराओ देने लई प्रयोग हुंदा है कि पूर्ण वाक पूरा भी नहीं होया, कामे तो वध है थोड़ा ठहराओ, उत्थे इनू वरतिया जाता है। जिवें रोटी पक गई है, सब्जी तैयार हो रही है, कौमे तो यह वध है ते पूरा भी वाक नहीं बन होया है, इस करके इत्थे बिंदी कौमा वरतिया जाता है। इस तो अगला है दुबिंदी डैश। इस विश्राम चिन्ह की वरतों किसी शब्द या वाक नू अगले वाकां नाल जोड़न लई कीती जांदी है। जिवें भारत विच कई धर्मां दे लोक रहिंदे हन, जिवें इत्थे हुण असी जिवें पा के फिर बिंदी ते अगे डैश हिंदू मुसलमान सिख ते ईसाई, कि असी जिहड़ा है कोई डिटेल दे रहे हां इत्थे उहनू असी अगले नाल जोड़ भी रहे हां, उत्थे असी दुबिंदी डैश की वरतों करते हाँ। इस तो अगे है डैश। यह विश्राम चिन्ह किसी वाधू गल नू कहन लई प्रयोग किया जाता है। जिवें मेरी सलाह मनो, रात रुक जाओ, ठीक है, इत्थे असी जिहड़ा है फिर डैश पाई है। होर भी कोई एग्जाम्पल जिवें बदल आ रहे हैं, पता नहीं कितने वार पैणगे, ठीक है, कि थोड़ा जिहा असीं उन्हूं डिटेल रहे रहे हैं उस गल नूं। फिर बिंदी। यह विश्राम चिन्ह कई अंकां संखेप शब्दां दे पिछे प्रयोग हुंदा है। जिवें असीं शॉर्ट फॉर्म च लिखना है उत्थे प्रयोग हो जाता है किसी, ठीक है, असीं डिग्री नूं पूरा नहीं लिख रहे, शॉर्ट फॉर्म च ही लिख रहे हैं जिहड़ियां चीज़ां नूं, जां अंक कोई लगा रहे हैं उन्हां दे पिछे, बी ए 1.26 1.26 MA, मतलब जिहड़े ने कुछ शब्दां नूं असीं संखेप विच जदों लिखते हाँ। इस तो अगे दुबिंदी। यह विश्राम चिन्ह किसी शब्द वाकांश जां उपवाक की अगे दित्ती व्याख्या तो पहला प्रयोग हुंदी है, कि जिहड़ी चीज़ नूं असीं होर अजे असीं उहदी व्याख्या करनी है। जिवें मेरे मन भाउंदे पंजाब दे चार साहित्यकार हैं, इहदी हुण असीं अगे व्याख्या कीती उन्होंने कि नानक सिंह, गुरबख्श सिंह, मोहन सिंह ते ईश्वर चंद्र नंदा। दो बिंदी दी जिहड़ी है वरतों, जिवें प्रोफेसर शब्द लई असीं शॉर्ट फॉर्म लिखते हाँ प्रो, उहदे अगे दो बिंदियां पैंदियां हन। डाक्टर शब्द नूं असीं शॉर्ट फॉर्म च लिखना है उत्थे दो बिंदियां पैंदियां हन, इन्हां जगह ते भी दो बिंदी दी वरतों कीती जांदी है। इस तों अगे ब्रैकट,
ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣ ਇਕਾਂਗੀ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।